तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीरज, आप देख रहे हैं नीरू बीटी ब्लॉग। तो आज मैंने प्रोडक्ट के बारे में जाना। COVID-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बी सेफ बी हेल्दी क्या खास बात है। तो मैंने एक अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगाया था अपने फ़ोन के लिए, कैमरा लेंस जो आपका काम करता है वाइड एंगल के लिए मंगाया था ज़्यादातर, तो वैसे तो कुछ मंगाया नहीं इसमें मैंने। तो ये रहा प्रोडक्ट, इसको मैंने इसका अनबॉक्स पहले ही कर चुका था, तो फिर से करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो चलो, तो अंदर जाते ही हमने अनबॉक्स कर रखा था। तो ये रहा, गिफ्ट कार्ड है ये। तो ये छोटा सा पाउच सबसे पहले मिलता है कैमरा लेंस को रखने के लिए। तो ये सब सामान पहले हटा देते हैं। ये कौन सी कंपनी है हमें पता नहीं, ये मेड इन चाइना है, जस्ट मेड इन चाइना। मैं आपको वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, माइक्रो लेंस, फिश आई लेंस और मेड इन चाइना लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है फिश आई लेंस, इसे खोल सकते हैं आप लोग। ये रहा फिश आई लेंस। फिश आई लेंस इसका काम क्या है मैं अभी कैमरे में लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा फिश आई लेंस का कमाल। तो ये फिश आई लेंस क्या काम करती है, फिश आई लेंस मतलब जो फिश की आंखें होती हैं ना उसकी तरह देखती है। तो काफ़ी अच्छा एंगल है ये भी। तो ये कैमरा निकालते हैं तो कैसा नज़ारा आ गया। तो काफ़ी चीज़ें मतलब ये हाथ और मेरे पैर भी नज़र आ रहे थे। इसका भी वाइड एंगल बहुत अच्छा है, तो वाइड एंगल ही मिला हमको शायद। नहीं, ये आपको माइक्रो लेंस और वाइड एंगल लेंस साथ में जोड़ने पड़ेंगे तभी वाइड एंगल मिलेगा आपको बढ़िया। तो ये माइक्रो लेंस है, तो माइक्रो लेंस का पहले दिखा देता मैं आपको। माइक्रो लेंस तो धुंधला नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये दिखाता हूँ आपको अभी। माइक्रो लेंस इतना अच्छा भी नहीं है इतना, मतलब आपके किसी काम का नहीं है इतना, तो मुझे पता लग गया। तो इसी के ऊपर मैं अब माइक्रो लेंस इतना अच्छा भी नहीं है मतलब किसी काम का नहीं है माइक्रो लेंस हमारे लिए, तो इसी के ऊपर हम वाइड एंगल लगाते हैं। एंगल इस माइक्रो लेंस के ऊपर लग के तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो इसको लगाते हैं फिर से वापस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइड एंगल हमको मिल रहा है इस एंगल से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली मोटो ब्लॉग के लिए शुरुआत रहेंगे। तो मेरे सिंगल कैमरा में वाइड एंगल नहीं आ रहा था, वाइड एंगल ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा था, तो मैंने कोशिश करी वाइड एंगल लाने की। तो ये प्रोडक्ट मुझे वाइड एंगल प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी अच्छा था ये प्रोडक्ट मेरे काम के लिए। मतलब इसका जो फिश आई लेंस था वो मेरे को किसी काम का मतलब लगा नहीं कि यूज़ है फिश आई लेंस, मगर काम ज़रूर आने वाला है ये मेरे आने वाले वक्त में।